हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में बच्चों आज अपन सिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, एडिंग ग्रेटर नंबर्स। ओके, ये देखो, व्हाट यूजिंग व्हाट यू नाउ डू यू सी ए पैटर्न। अब से देखा है, फाइव और फाइव कितने होते हैं, टेन होते हैं लिखा हुआ। फाइव और सिक्स कितने होते हैं, इलेवन ये लिखा हुआ है। अब ये सिक्स और सिक्स कितने होते हैं, सिक्स दिया हुआ, सिक्स में सिक्स ऐड करो तो क्या आएगा, काउंट करो, सिक्स के बाद सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। सिक्स में सिक्स ऐड करेंगे तो ट्वेल्व आते हैं। सिक्स में सेवन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स तो दिया हुआ है, आगे सेवन काउंट करो, या आप चौथ पहले सेवन गिन सकते हो, फिंगर्स पे गिनना आपको, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया। उसके बाद ना सिक्स की, ये सिक्स है, इसके आगे से बोलूँगी सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, कितने आ रहे हैं, थर्टीन आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे थर्टीन लिखेंगे। ओके बच्चों, फिंगर्स में काउंट करोगे आप, इसके आगे वाला बोलोगे तो आपको जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप पूरी लाइन ही खींचेंगे या पूरा फिंगर पे भी सिक्स खींचेंगे, काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे तो फिर ज़्यादा समय लगता है। इसलिए जो ऊपर संख्या दी हुई है और जो नीचे दी हुई है, आगे काउंट करके इसके आगे बोल लो, वो आ जाएगा आपको। सेवन और सेवन कितने होते हैं बच्चों, फोर्टीन, ये फिंगर्स पे काउंट करना आप, फोर्टीन होते हैं। सेवन और एट कितने होते हैं, सेवन और एट भी फिफ्टीन होते हैं, ठीक है। अभी अपन करेंगे काउंटिंग फॉरवर्ड टू एट। देयर वर नाइन गर्ल्स एंड थ्री बॉयज एट द पिकनिक, नौ लड़कियाँ और तीन लड़के पिकनिक पे गए। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन ऑल द पिकनिक, पिकनिक पे कितने बच्चे थे, नाइन गर्ल्स नाइन यहाँ लिखा हुआ है, थ्री बॉयज यहाँ लिखा हुआ है। अभी स्टार्ट विद द बिगर नंबर, बिगर नंबर क्या, दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है, नाइन है, बिगर नंबर नाइन, तो नाइन पे तो यहाँ लिखेंगे। काउंट फॉरवर्ड थ्री नंबर्स, ये नीचे कितने, थ्री है, इसके आगे काउंट फॉरवर्ड, इसके आगे की लिखेंगे, तो नाइन के आगे क्या था, टेन इलेवन ट्वेल्व, थ्री लिखा हुआ थ्री बार, तो ये कितने आ गए, ट्वेल्व आ गए, ट्वेल्व यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, नाइन और टेन, नाइन और थ्री कितने होते हैं, नाइन में थ्री एड करो, टेन इलेवन ट्वेल्व, ये तो ट्वेल्व होता है, लेकिन आपको काउंट फॉरवर्ड दिया हुआ है ना, तो ये करोगे आप पहले, नाइन काउंट फॉरवर्ड, नाइन दिया कि थ्री थ्री नंबर काउंट करने और ऐड करना, टेन इलेवन ट्वेल्व, क्या है, ट्वेल्व है, यू विल रीच ट्वेल्व, तो आंसर है देयर वर ट्वेल्व चिल्ड्रन इन ऑल द पिकनिक, सारे ट्वेल्व बच्चे थे पिकनिक में, ठीक है। अब ये है इलेवन और थर्ड थ्री, बिगर नंबर कौन सा है, इन दोनों में से देखो आप, बिगर नंबर इलेवन है, तो हम यहाँ पे अपने एक वो सर्कल जैसा से बनाएंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे इसको, इलेवन यहाँ लिखेंगे बिगर नंबर, फिर उसके बाद में इलेवन के आगे थ्री काउंट करेंगे आप, काउंट फॉरवर्ड आगे की ओर, थ्री काउंट को लेंगे, क्या था, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन यहाँ लिखेंगे, क्या आया ये, फोर्टीन आया, फोर्टीन यहाँ लिखो, वन इधर लिखो, फोर इधर लिखो, ठीक है। अब ये 15 और 3, इन दोनों से बिगर नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 15 है, ऐसे पिक्चर बना के आपको 15 यहाँ लिखना है और आगे की ओर गिनना है, काउंट फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, 3 है तो 3 तक काउंट करना आगे, 15 के आगे 16 17 18 लिखेंगे, क्या आ रहा है, 18 वो यहाँ लिख देंगे। ओके, फिर है 18 और 1, यहाँ 1 ही दिया हुआ है, 1 ही दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या कौन सी, इन दोनों में से 18 है, 18 यहाँ लिखेंगे, 1 ही काउंट करना, 18 के बाद क्या था, 19 आता है, यहाँ पे 19 लिखेंगे, 19 यहाँ लिख दिया। ओके, फिर बच्चों देखिए 12 और 2, इन दोनों से बिगर नंबर कौन सा है, 12 है, 12 यहाँ लिखोगे आप, इधर ये पिक्चर बना के 12 लिखोगे, सर्किल बना के इसे, फिर आप 12 में 2 ऐड करोगे आगे की ओर काउंट करो तो क्या आएगा, 13 14 ये लिखा हुआ है, अभी आपको यहाँ 14 लिखना है। ओके, पेज नंबर 105 पे पढ़ा अपने, पेज नंबर टर्न करेंगे अब अपन, अब पेज नंबर 106 पे देखेंगे आप, इसमें दिया हो एडिंग, एडिंग टू डिजिट डिजिट एंड वन डिजिट नंबर्स। एग्जांपल देखिए, अंजू मदर पैक 25 वेजिटेबल्स सैंडविच फॉर द पिकनिक, अंजू पैक टू चीज सैंडविच, हाउ मेनी सैंडविच वर पैक्ड इन ऑल, कितने सैंडविचेस में वो बताना है, ठीक है। ये दिया हुआ है 25 सैंडविच, उसकी मम्मी ने पैक किया वेजिटेबल्स के और टू चीज़ के पे चीज़ पे सैंडविच किया, तो 25 टेंस है, टेंस क्या है, टू, ये वन टू, टू तो टेंस में आ गया, वंस में क्या है, फाइव है, ये फाइव वंस में आ गया, ओ नीचे वंस दिया हुआ है, तो ये टू ओ नीचे वंस में लिख दिया। अब ऐड करेंगे अपन,
फाइव और टू कितने होते हैं, सेवन होते हैं। फाइव में टू डी करो सेवन, सेवन ही यहाँ लिखेंगे अपन। और यहाँ कुछ संख्या नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ऊपर टू लिखा हुआ सेवन यहाँ लिखेंगे, इसका इधर आगे बता रखा है। अब इधर देखो ये टू टेंस, टू टेंस ही यहाँ दिया हुआ है। फाइव वंस, ये फाइव वंस, ये है फाइव वंस यहाँ लिखा हुआ है। और टू वंस है, ये टू वंस लिखा हुआ है। अब फाइव और टू कितने होते हैं, सेवन होते हैं। ये फाइव सिक्स सेवन, सेवन हो गया। और इधर क्या लिखा हुआ है, यह कोई संख्या नहीं है, टू का टू आ गया, यहाँ लिखेंगे। ओके, तो आंसर बास्केट नाउ हैज 27 सैंडविच। अब 27 सैंडविच है, ठीक है। एग्जाम्पल टू, 850 प्लस फाइव, अब इसमें करना है। ये 50 दिया हुआ है, इसमें बता रहेगा, उदाहरण एग्जाम्पल दे रहेगा 50 है। फाइव ऐड करना, तो फाइव का फाइव आ गया, यहाँ कुछ नहीं है। अभी तो देखो ये 50 इधर दे रहेगा, दूसरा उदाहरण दे रहेगा 50। अब ये जीरो और फाइव, जीरो फाइव तो फाइव पे आएगा, यहाँ फाइव का फाइव आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ फाइव का फाइव लिखेंगे। इसका दूसरा उदाहरण यहाँ समझा रखा है, पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। ऐसे ये देखिए आप, ये जीरो और थ्री है, तो यहाँ ये जीरो थोड़ी आएगा, थ्री आएगा। ये सेवन, ये सेवन, ये रॉन्ग है। ये ऐसे करना है आपको, जीरो और थ्री कितने होते हैं, थ्री होते हैं। यहाँ कोई संख्या नहीं है, सेवन आएगा, सेवन का सेवन उतारेंगे, ये सही है। अपन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरे पेज पे, पेज नंबर 107 पे चले हैं अपन। यस, अब अपन यहाँ पढ़ेंगे, रिमेंबर टू बिगेन, बिगेन फ्रॉम द बिगर नंबर। बिगर नंबर कौन सा, इस पर अपने को सर्किल करना है। बिगर नंबर इस पर सर्किल बनाया है, बिगर नंबर, सर्किल इट टू हेल्प यूर रिमेंबर। और ये अपने याद रखने के लिए अपने को सही है, सर्किल इन इट टू हेल्प यूर रिमेंबर, अपने को याद रखने में ये सही रहेगा सर्किल। अब ये 36 और 2, इसमें बिगर नंबर कौन सा है, 36 है, इस पर सर्किल बनाया 6, और ये नीचे 2 दिया हुआ है, तो कितने होता है, 6 में 2 ऐड करो, 6 तो है ही, आगे 2 ऐड कर लो, 1 2, अब काउंट करो 7 8, तो क्या आएगा, यहाँ 8 आएगा, 8 यहाँ लिखा हुआ है। ये 3 है, यहाँ कोई संख्या नहीं, 3 का 3 लिखेंगे। वैसे देखिए अब आप यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 दिया, ऊपर 3 दिया हुआ है, नीचे 45 दिया हुआ है, दोनों से बिगर नंबर कौन सा है, 45, 45 पर सर्किल किया, 3 में 5 ऐड करो, क्या आएगा, 3 क्या आएगी, 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, आप ध्यान रखने के लिए पहले ये काउंट कर लो कि आपको ध्यान रहे 5 ही आया। अब 3 के बाद बोलो 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है। ओके बच्चों, अभी कितने ऊपर 7, नीचे क्या है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 7 के, सॉरी यहाँ 5 और 8, ये 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं, यहाँ लिखेंगे। काउंट किया था 3 के बाद 4 5 6 7 8, ये 4 है, यहाँ का 4 का 4 आएगा। अब इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, 78, इस पर सर्किल बनाओ, बिगर नंबर से भी बनाना। 8 और 2 कितने होते हैं, 8 और 2 9 10, 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, 10, तो 0 इधर जो संख्या आती है उसको अपन यहाँ नीचे लेंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, ठीक है। आपको याद नहीं रखता रहता तो इधर संख्या कितनी बची, 1 बची, इसको ऊपर ऐसे लिख देंगे, 7 में 1 ऐड करो, 7 और 1 ऐड करो, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे अपन 8 लिखेंगे। ओके, 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं, सॉरी बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में से, 86 और 1 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 86 है, सर्किल बनाओ। 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं, यहाँ 7 लिखेंगे। 8 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो 8 का 8 आएगा। 2 और 7 कितने होते हैं, 2 में 7 ऐड करो तो 3 4 5 6 7 8 9, 2 और 7 9 होते हैं। सबसे पहले इसमें सर्किल करेंगे, बड़ी संख्या कौन सी, 47 है, इसमें सर्किल करो, 2 7 9 होते हैं, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 4 है, 4 का 4 आएगा, यहाँ पे 4 लिखना आपको। ओके, अभी देखिए 90 और 2, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 90 है, 90 पे सर्किल करेंगे आप, ठीक है। और 0 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये 9 ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 9 का 9 लिख देंगे। अब ये है 1 और 77, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या 77 है, इस पर सर्किल करो, बड़ी संख्या पर सर्किल करो,
से वन और सेवन, वन में सेवन ऐड करो तो क्या आएगा, एट आएगा, वन और सेवन एट होता है। ऊपर कोई संख्या नहीं है, नीचे सेवन है, यहाँ सेवन का सेवन लिखेंगे आप, ठीक है। नाइन, फिफ्टी नाइन और टू, बड़ी संख्या कौन सी इसमें से, फिफ्टी नाइन, फिफ्टी नाइन पर सर्किल बनाओ, फिफ्टी नाइन पर सर्किल बनाया, नाइन में टू ऐड करेंगे क्या आएगा, नाइन में टू ऐड करो टेन, इलेवन, इलेवन का वन यहाँ लिखोगे और ऊपर एक कैरी लगाओगे, ठीक है। फाइव में वन ऐड करो क्या आएगा, फाइव में वन ऐड किया तो सिक्स होता है, यहाँ सिक्स लिखेंगे। अभी तो देखिए आप, थ्री और एट सब इस वन, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, सिक्सटी एट, सिक्सटी एट पर सर्किल करेंगे। थ्री और एट, इन दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है, थ्री एट, सॉरी इन थ्री और एट को जोड़ो तो क्या आएगा, थ्री में एट जोड़ेंगे तो नाइन टेन इलेवन, थ्री में एट जोड़ो या एट में थ्री जोड़ो, एक ही बात, बड़ी संख्या एट है ना, इधर बड़ी संख्या है तो आप एट में थ्री भी जोड़ सकते हैं, एट बोलिए इसके आगे थ्री काउंट कर लिया तो जल्दी से हो जाता, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। नाइन टेन इलेवन, इलेवन का वन लिखेंगे, वन के रील लगाएंगे पर तो कितना आ जाएगा, सिक्स और वन सेवन, सेवन यहाँ पे लिखेंगे। फाइव और टू कितने होते हैं, इन दोनों से बड़ी संख्या कौन सी है, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव पर सर्किल करो। फाइव और टू क्या कितने होते हैं, फाइव में टू ऐड करेंगे तो सिक्स, सेवन, सेवन होते हैं, यहाँ टू है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, टू का टू लिखेंगे, ठीक है। अब पेज नंबर 107 पे पढ़ रहे हैं अपन। अब इसमें दिया एडिशन यूजिंग द नंबर स्ट्रिप, नंबर स्ट्रिप की सहायता से हम लोग करना है। फाइंड 28 ऑन द नंबर स्ट्रिप, 28 है, गो फॉर प्लेस फॉरवर्ड है, 28 के बाद 4 का है, 20 से 28 है 4, तो 1 2 3 4, तो 32 पे आ रहा है, 32 यू विल बी एट 32, ये लिखा हुआ है, ऐसे अपने को करना है। सोल यूजिंग द नंबर स्ट्रिप गिवन बिलो, 35, 35 का है इसमें, 35 इसमें 4 ऐड करना है, 35 का है ये, 35 इसके आगे 4 काउंट करो, 1 2 3 4, तो क्या आया 39, यहाँ पे अपन 39 लिख देंगे, 39 लिखो यहाँ पे, देख कैसे करना है। अभी 28 है, ऊपर कितने 28 और नीचे कितने 2, तो 28 क्या है, 2 ऐड करो, 28 क्या दिख रहा है आपको, 28 देखो, ये 28 ये रहा, इसमें 2 काउंट करो आगे से, 1 2, तो कितने दिख रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे 30 आ रहे हैं, तो अब यहाँ 30 लिखेंगे, ठीक है। इसके स्ट्रिप की, नंबर स्ट्रिप की सहायता से, एडिशन यूजिंग द नंबर स्ट्रिप की सहायता से आपको करना है, ठीक है, सोल्व करना है इसे। ये 30 और 8, ये 30 देखो पहले कहाँ है, 30, ये 30 ये रहा, इसमें 8 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने आ रहे हैं, 38, 38 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 37 है, 37 में 5 ऐड करो स्ट्रिप से, 37 देखो कहाँ है, ये 37, इसमें 5 ऐड करो, 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 42 आ रहा है, यहाँ पे 42 लिखेंगे। अब आके आपको ये दो होमवर्क में करना है, ठीक है, आप खुद करेंगे ये दो, ये W लिख देती हूँ मैं, ये दो आप करेंगे, मेरे चार बता दिए हैं, दो आप करेंगे। अब इसमें यूजिंग सोल्व यूजिंग दिस नंबर स्ट्रिप, इसमें नंबर स्ट्रिप से करना है, 65 है, 65 देखो कहाँ है, ये 65, इसमें 5 ऐड करो, तो 65 में 5 ऐड करो, 1 2 3 4 5, 70 आ रहा है, यहाँ पे 70 लिख देंगे, ठीक है। ये भी आप खुद करेंगे, ये आपको होमवर्क में करना है अपने आप, मैंने बता दिया, ये आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, ये पेज नंबर 107 तक आपको, ये आपको होमवर्क करना है, ये है ना, एक मैंने करा दिया, इधर बाकी आप करेंगे, इधर मैंने इतने करा दिए, दो आपको करने हैं, ओके ओके बच्चों। नेक्स्ट अपन जब पढ़ेंगे तो पढ़ाई करेंगे 108 पे, पेज नंबर, ठीक है, ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।